राजधानी शिमला में इन दिनों बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। आए दिन बंदरों के काटने के मामले अस्पताल में आ रहे हैं। वहीं अब लोग मंत्री के पास पहुंचकर बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। शुक्रवार को छोटा शिमला पहुंचे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के पास पूर्व पार्षद और कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान स्थानीय लोगों के साथ मंत्री के पास पहुंचे और छोटा शिमला क्षेत्र के आसपास बंदरों के आतंक से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाई। पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान ने कहा कि क्षेत्र में बंदरों के आतंक से लोगों का चलना फिरना मुश्किल कर दिया है। घर पर बच्चों को काटने को दौड़ते हैं और लोगों का सामान छीनते हैं। क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और स्कूली बच्चे भी अकेले बाहर भेजने से लोगों को डर लग रहा है। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन को भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई हाल इनका नहीं निकाला जाता है। उन्होंने मंत्री सुरेश भारद्वाज से इन बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। जो हम अपने यहाँ लोकल लोगों के साथ कुछ चार पांच समस्याएं जो ना केवल छोटा शिमला की बल्कि पूरी शिमला की समस्याएं को लेकर के हमने माननीय मंत्री जी के पास आए थे। एक समस्या सबसे बड़ी है कि शिमला में बंदरों का बड़ा आतंक है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते। जहाँ तक छोटे शिमला की बात है, वो चाहे पाइन लॉज का एरिया हो, चाहे स्ट्रॉबेरी हिल्स का एरिया हो, साधना घाटी का एरिया हो, ट्रिब्यूनल का एरिया हो, और मतलब लोगों का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। आए दिन लोगों को बंदर काट रहे हैं। हमने ये मंत्री जी से डिमांड की थी कि मैं हर जगह जाके आ चुका हूँ, चाहे वो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है, चाहे वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है, हमने सब जगह मांग रखी थी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आज हम मंत्री के पास आए थे इसी समस्या को लेकर। दूसरी समस्या थी एक जो हमारे ब्रॉकहॉस्ट और छोटा शिमला के बीच का जो रास्ता है, जो जिन लोगों ने छोटा शिमला और संजौली जाना है, उन लोगों के लिए बसेस की कोई सुविधा नहीं है। जो बीच का जो रोड है उसमें एक सरकारी बस चलाई जाए या HRTC की टैक्सी चलाई जाए। नगर निगम में जो सरकार ने कोरोना काल में एक घोषणा की थी कि 6 महीने का 7 महीने का जो कूड़े का बिल है वो माफ़ किया जाएगा, आप मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आज की डेट में भी माफ़ करने की बात छोड़ो, लेकिन 10% की वृद्धि के साथ लोगों के ऊपर जो बर्डन डाला जा रहा है, वो पिछला बिल तो माफ़ क्या करना, लेकिन वो 10% की वृद्धि भी की जा रही है और प्रॉपर्टी टैक्स में भी 10% की वृद्धि की जा रही है। इन सब चीज़ों को लेकर के हमने माननीय मंत्री जी से ये ज्ञापन सौंपा था, और क्योंकि हम हर जगह जाके हमने सब जगह ये आवाज़ उठाई, जो जो प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ थे सरकार के, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, चाहे वो वाइल्ड लाइफ था, चाहे वो नगर निगम था, चाहे हॉस्पिटल से रिलेटेड था, हमने हर जगह वो बात को पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज हम आदरणीय मंत्री जी के पास आए थे, मुझे उम्मीद है कि जनहित में इन कार्यों को जल्द से जल्द वो ठीक करवाएंगे।